Good evening, everyone. Am I audible and visible? ओके ठीक है सर. तो देखिए, आज हम लोग मीडिया लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना सर? और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं ये हम चर्चा करते हैं अभी. उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सर अनएकेडमी पे बहुत सारे कोर्सेज मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, प्लस क्लासेस में फिलहाल अभी कंप्लीट कोर्स फ्रॉम 7 to 8:30 PM डेली सर हो रहा है. आप अपने जो ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जो नेट और जेआरएफ करना चाह रहे हैं उसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा सर आपके लिए ये. और मैं आपके जितने भी कॉग्निटिव नीड्स हैं जो आप मीडिया लॉ पढ़ना चाहते हैं या फिर सारे यूनिट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 10 विद PYQ एन MCQ सर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना. आप मेरे प्रोफाइल जो यहाँ पे विजिबल है उसको फॉलो कर सकते हैं. बहुत सारे स्पेशल क्लासेज आप जाएंगे इस पर्टिकुलर लिंक पे तो आपको मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लास हैं सर. जब आपको अनलॉक करने की ज़रूरत पड़े तो सत्यम एस कोड आप इम्पोज करिएगा, वो स्पेशल क्लासेज अनलॉक हो जाएंगे. आप सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो सत्यम एस सेम कोड फॉर 10% इमीडिएट डिस्काउंट के लिए आप इसको यूज करिए. चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, कस्टमाइजेशन वे में आइकॉनिक भी ले सकते हैं. आपके डाउट का सॉल्व डाउट को आप कस्टमाइज वे में सॉल्व कर सकते हैं, करवा सकते हैं. सर ये प्रोफाइल जरूर आप फॉलो करिए, बहुत चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको आपके बेनिफिट के लिए मिल जाएंगी, ठीक है सर जी. तो अब हम क्या करें, देखिए आज की क्लास जो सर होने वाली है ना हमारी वो मीडिया लॉ के ऊपर है और हम देखेंगे कि किस तरीके से इज इट विजिबल यस ठीक है. तो हम देखते हैं मीडिया लॉ पढ़ते क्यों है सर, जरूरत क्या है. जरूरत इसलिए है क्योंकि मीडिया है ना सर, क्या कहा मैंने, मीडिया एक पर्टिकुलर आइडियल सेटअप में काम करता है और वो आइडियल सेटअप इज सब्जेक्टिव थिंग. सब्जेक्टिव क्यों कहेंगे इसको, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया अलग तरीके से काम करेगा. अथॉरिटेरियन रिजीम में जहां पे राजशाही हो, किंगडम हो, वहां पे मीडिया अलग तरीके से काम करेगा. हाँ थोड़ा सा रिजोल्यूशन आप 3 डॉट जो है ना वहां पे एडवांस सेक्शन में जाके रिजोल्यूशन को बढ़ाइए. अदरवाइज मैं इसका इतना कर सकता हूँ कि मैं इसके फॉन्ट साइजेस जो है वो बड़ा कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है सर जी. आपको फॉन्ट साइज बड़ा चाहिए क्या, सब लोग बताइए बड़ा चाहिए, अदरवाइज ये ठीक है तो हम आगे बढ़ेंगे. तो ये है. अब मैंने क्या कहा, अलग अलग रिजीम होते हैं, अलग अलग आइडियल सेटअप हो सकते हैं, ठीक है सर ठीक है. उसी तरीके से चाइना में मीडिया जो है उनके लिए कुछ अलग लॉ होंगे. हाँ सर लॉ सब्जेक्टिव है, अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग में सब्जेक्टिव बात बोल रहा हूं, तो ये बात है सर. लेकिन मीडिया लॉ की शुरुआत कहां से होती है, मीडिया को रेगुलराइज करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आपको पता है मीडिया एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल में से एक है, है ना. मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये इसमें उसका कारण एक ये भी है
कि मीडिया पब्लिक ओपिनियन को, जनमत को बनाने का काम करता है, ठीक है? यस, हाँ। तो अब जाहिर सी बात है कि ये मीडिया वन टू मेनी है। मीडिया की खासियत क्या है? वन टू मेनी है ना, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक एक सिंगल, आप यूं कहें कि वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहुंचता है ना, मैसेजेस को मल्टीप्लाई करता है। तो एक बार कुछ भी कह दिया जाए और करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाए, अगर गलत मैसेज कोई भेज दिया जाए तो सर, तो भी तो वो करोड़ों लोगों के पास पहुंचेगा ना, तो भी लोगों के ओपिनियन चेंज होंगे ना। अगर वल्गर मैसेज भेज दिया जाए तो, अगर ऑब्सीन या अश्लील कम्युनिकेशन कर दिया जाए तो सर, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल, तो सर तो मामला तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ह्यूमन इज सोशल एनिमल और मीडिया पब्लिक कम्युनिकेशन मीन्स है, तो उसमें रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके रेगुलेशन को हम नेगेटिव, इसका इफेक्ट भी देखेंगे और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि जो लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के जो समस्याएं हैं, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा अगर हम उसको नेगेटिवली रेगुलेट करें तो, है ना। और रेगुलेट ना करें तो बहुत सारे मैसेजेज आ जाएंगे जो कि रिलेवेंट नहीं होंगे, जो कि डेंजरस हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, जो कि वायलेंस को वो इनिशिएट करने वाले हो सकते हैं, दंगे भड़काने वाले हो सकते हैं, कम्युनल वायलेंस को क्रिएट करने वाले हो सकते हैं, है ना। तो ये बात हो सकती है, इसीलिए मीडिया को रेगुलेट करना जरूरी है। मीडिया रेगुलेट कहाँ कहाँ पे होता है सर, देखते हैं। हमने नॉर्मेटिव थ्योरी देखे थे ना, नॉर्मेटिव थ्योरी आप लोगों ने पढ़े होंगे सबने। क्या मीडिया को अथॉरिटेरियन थ्योरी में रेगुलेट किया जाता है क्या? हम फिर आएंगे मीडिया, हमारे यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है ना उसके ऊपर हम आएंगे। अथॉरिटेरियन थ्योरी में रेगुलेट किया जाता है क्या सर? प्योरली रेगुलेशन होता है सर, यहाँ पे तो 100% रेगुलेशन होता है ना। और रेगुलेशन क्या? सेंसरशिप होता है। सेंसरशिप तो कई तरीके के होते हैं ना जी सर, जैसे कि रिलीजियस सेंसरशिप, आप किसी धर्म के मामले में नहीं बोल सकते किसी पर्टिकुलर, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप इष्ट निंदा कानून के तहत अगर कुछ वहाँ के लॉ ऐसे हैं कि गॉड के खिलाफ आपने कुछ बोला तो आपको फांसी दिया जा सकता है। यस, तो रिलीजियस सेंसरशिप, मिलिट्री सेंसरशिप, अदर थिंग हो सकता है। लेकिन सर ये सेंसरशिप नहीं होना चाहिए क्या? देखिए सेंसरशिप तो होना चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम पे होना चाहिए, है ना। जो चाहे कोई भी वो ना बोल दे, ये तो जरूरी है क्योंकि मीडिया पब्लिक मीडियम है, लेकिन नेगेटिवली अफेक्ट ना करे। शुरुआत हम बात करते हैं, सबसे शुरू में जैसे मैग्ना कार्टा को हम लोग बात करें, इसका नाम पढ़ेंगे मैग्ना कार्टा, लिबर्टेटम जो शब्द लिखा है, बहुत पहले की बात है सर। रॉयल चार्टर एक ऐसा चार्टर जिसमें पहली बार सिटीजन्स के राइट के बारे में चर्चा की गई थी, उस समय मैग्ना कार्टा में बोला गया था कि लोगों के भी कुछ राइट दिया गया, बोला नहीं गया, वो रिबिल के बाद दिया गया, वो क्रांति मतलब आप विद्रोह के बाद दिया गया। वो विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि किंग जो थे वो अपनी जो बातें थोप रहे थे लोगों पे और उनकी बातों को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तब की बात है। कोशिश क्या, सुन ही नहीं रहे थे। बाद में कुछ पूरे हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हिस्ट्री में चार पांच जो इंसिडेंट आपको देखेंगे, एक तो मैग्ना कार्टा 1215 वाला इंसिडेंट आपको दिख गया, दूसरा इंसिडेंट आपको दिखेगा जॉन मिल्टन का, है ना, जॉन मिल्टन का, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्सियल पैम्पलेट पब्लिश किया था, एरियोपागिटिका, नाम होगा सर आप लोगों को याद, एरियो पागिटिका। सर इसका ईयर भी आप लोगों को पता ही है, 1944। मैं हम लोग रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन का पहले नाम आप यूं कहें कि उसको रिस्ट्रिक्शन को सेंसरशिप के तौर पे समझे, रिस्ट्रिक्शन बड़ा ही पॉजिटिव टर्म है, सेंसरशिप समझे, है ना। तो सेंसरशिप इन्होंने क्यों अपोज किया? क्योंकि लोगों को बोलने की फ्रीडम नहीं थी। लाइसेंसिंग एक्ट का विरोध बाद में और होता है, 1737, एक तो हमने देखा ये 1644,
1737, फिर से 1776 अमेरिका की फ्रीडम के बाद बिल ऑफ राइट इंट्रोड्यूस होता है। याद होगा सर आप लोगों को, बिल ऑफ राइट कब इंट्रोड्यूस होता है, बिल ऑफ राइट। अच्छा सर ये नीचे लिख रहा हूँ क्या मैं, हाँ बिल ऑफ राइट इंट्रोड्यूस कब होता है, वो होता है 1789 में। ये कब, ये बिल ऑफ राइट के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन अमेरिका का, वो होता है सर 1791 में, 1791 में सर, ये 1791, 1791 ईस्वी में। इससे इस अमेंडमेंट के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस को फंडामेंटल राइट के तौर पे शामिल किया जाता है, और हमारा फंडामेंटल राइट है ना सर, यहां से इन्फ्लुएंस्ड है। हमारा फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, बिल्कुल जानते हैं सर आप, अब ये आर्टिकल 19(1)(a) में है सर, है ना। हमारा फंडामेंटल राइट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस बिल ऑफ राइट। तो ये हमने क्या देखा, राइट और सेंसरशिप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है। सेंसरशिप कौन इंपोज करेगा, रूलिंग एलिट्स, सत्ताएं, और राइट्स किन को मिलेंगे, पब्लिक को जनरली, हाँ सर कॉमन मैन को, पब्लिक। तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं क्या सर, मतलब फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शंस तो जाहिर सी बात है अपोजिट शब्द हैं, है ना, दोनों साइनोनिमस तो नहीं है। तो इसकी शुरुआत हमने देखा कहां से हो रही है, 1215 से लेके अभी तक के मामले में हम समझते हैं। हमारे देश में कब ये फ्रीडम मिलता है ऐसा, तो जब हम आजाद हो जाते हैं 1950 में, जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें जब ये लागू हो जाता है तब की बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो वो ईयर आप लोगों को पता होगा, 1949, 26 नवंबर। यस सर, जी सर जी। अब मीडिया लॉ के ऊपर आते हैं, कौन कौन से लॉज बनाए गए थे। तो क्या लॉ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया उसके बाद ही बने थे क्या, नहीं सर पहले बने थे, लेकिन पहले वाले लॉज को हम रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि सेंसरशिप का नाम देंगे, समझने के लिए नाम देंगे। क्यों, क्योंकि वो पब्लिक के अगेंस्ट में सारी चीजें हैं। अभी जो सेंसरशिप जिसको कि हम रिस्ट्रिक्शंस नाम देंगे वो पब्लिक के सपोर्ट के लिए है। आप पब्लिक का ऑर्डर डिसऑर्डर में ना बदले, कम्युनल वायलेंस ना हो, वल्गर मैसेज की भरमार ना हो, फेक न्यूज ना फैले, इनके लिए सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस पॉजिटिव हैं सर, बात समझ में आ रही है, दीज रिस्ट्रिक्शंस आर पॉजिटिव। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो जो कॉमन हम देखते हैं कॉमनली, वो जिसको हम लोग लॉ अभी समझते हैं सर, वो वाला लॉ है ये, इज इट विजिबल, कौन सा है ये, स्टैट्यूटरी लॉ दिख रहा है क्या, हाँ सर। अब स्टैट्यूटरी लॉ क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी लॉ का मतलब ये है कि विच हैज बीन इनेक्टेड बाई लेजिस्लेटिव बॉडी, इनेक्ट करने के पहले वो तो पास किया जाना जरूरी है। तो पास कहाँ से होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस प्लस प्रेजिडेंट का सिग्नेचर होगा तो लॉ बन जाएगा, है ना सर, 36 का, हाँ 36 का आंकड़ा दोनों में, मतलब ऐसा है लड़ाई है जी सर, तो वो लॉ बनेंगे तभी, है ना, मतलब राज्यसभा लोकसभा से वो कानून बिल, मतलब वो पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया, उन्होंने साइन किया, लॉ बन गया, वो एक्ट जो बना वो क्या कहते हैं उस, वैसे लॉ को हम स्टैट्यूटरी लॉ बन गया। लेकिन सर सिर्फ स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा मीडिया को रेगुलेट नहीं किया जाता, इसके अलावा भी और लॉ है, यस कौन कौन से लॉ है सर, एक तो है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब ये है कि द लॉ विच हैज बीन नॉट मेड बाय स्टैट्यूटरी लेजिस्लेटिव बॉडी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा बनाई गई हो, जैसे कि जनरली वो जज मेड लॉ कहते हैं इसको, जज मेड लॉ, है ना सर जी, जजमेंट के द्वारा निकला हो। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ राइट टू प्राइवेसी एक ऐसा लॉ है जिसको
ये जजमेड लॉ माना जाता है, जजमेंट के बेस पे। वो डिराइव्ड लॉ, एक लॉ है, वो एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 921 जो है उसमें कहीं राइट टू प्राइवेसी की चर्चा नहीं करी गई है। बात समझ में आ रहे हैं? हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस, अगर समझ में आ रहा है तो आप ना लाइक भी कर दीजिए, और जाहिर सी बात है आप कमेंट करके तो बताइए बताइए। जी सर, तो ये क्रिमिनल लॉ की बात हम कर रहे हैं। पहले हमने कॉमन लॉ की बात किया। कॉमन लॉ जो है वो जज मेड लॉ कहे जाते हैं, और ये रेगुलेशन हम मानते हैं कि कोई भी जजमेंट अगर आ गया सुप्रीम कोर्ट को, हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं, याद होगा आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब या फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि इनका जो जजमेंट होगा, इनका जो वर्डिक्ट होगा, इनका जो फैसला निर्णय होगा, वो उसी मामले में, उसी जैसे मामलों में वो अप्लाई होगा, है ना? वहां से वो इन्फ्लुएंस्ड हो गए आने वाले जजमेंट्स। ठीक है सर, वेरी वेल डन श्वेता जी। अकॉर्डिंग टू 129 जो सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और वो एपेक्स कोर्ट है, सबसे कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट हमारे यहाँ कोर्ट है। और 215 जो है सेक्शन बोल रहा हूँ, आर्टिकल, ये आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, ये कुछ याद रखना है क्या सर? हाँ लिख लीजिए। तो कॉमन लॉ हमने देखा। अब केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस बात कर के बात की बात करते हैं, या फिर खड़क सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था वो। अब वो क्या था हम देखेंगे, वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसे काम करते हैं ये हम देखेंगे। और भी मामले हैं राइट टू प्राइवेसी की। ये केदारनाथ वाला जो मामला था वो अलग है थोड़ा सा। सिविल लॉज किसको कहते हैं, और क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या है? क्रिमिनल लॉ जो कि मर्डर, असॉल्ट, रॉबरी एंड अदर थिंग से, रेप एंड अदर पे अप्लाई हो रहा है वो। सिविल लॉ का मतलब, जनरली सिविल लॉ इज दैट इट लुक्स एट एक्शन दैट आर नॉट क्राइम। अब लॉ ऑफ टॉर्ट, एक शब्द आप लोगों सुनते होंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट, वह उसका क्या मतलब है? देखिए, ऐसी गलतियां, ऐसी ऑफेंसेज, ऐसे अपराध जो इंटेंशनली जनरली नहीं किया जाए और वो हो जाए, उसका भी, उसके लिए कहीं अलग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन नहीं है, उसको नहीं लिखा गया है, तो फिर उसको किस आधार पे आप निकालेंगे? तो उसको कॉमन लॉ के आधार पे निकालेंगे, कॉमन लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं सर उसको। लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में कभी बाद में चर्चा करेंगे सर, यहाँ पे समझते हैं। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। हिस्टोरिकल वे में क्या हमने देखा, ये वर्जीनिया बिल ऑफ राइट, वेन इट केम सर, वर्जीनिया बिल ऑफ राइट कब आया, कब आया सर वर्जीनिया बिल ऑफ राइट? ये 1789 में, लेकिन 1789 में वर्जीनिया बिल ऑफ राइट नहीं, ये बिल ऑफ राइट की मैं बात कर रहा था, है ना, बिल ऑफ राइट, ये वर्जीनिया बिल ऑफ राइट इज समथिंग अदर थिंग, इसको छोड़िए। यूनाइटेड नेशन ने अपने चार्टर में इन 1948 आर्टिकल 19 को, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस को, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को, फ्रीडम ऑफ, आप यूं कहें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फंडामेंटल राइट के तौर पे इंक्लूड किया इन 1948। ये भी एक लैंडमार्क चीज है, तो आप इसको याद रखें इन 1948 में सर। और आप क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 1948। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एवरी वन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। सर ये शब्द क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, लेकिन हमारे देश में जो आर्टिकल 19(1)(a) है उसमें शब्द क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा, ये कुछ एक चीजें बेसिक सी चीजें हैं, और यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो फिर हम फंस जाते हैं तो फिर नहीं समझ आता है। तो ये बात है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा एक क्वेश्चन है, लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन फॉर द राइट टू इन्फॉर्म फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉशनली ड्रॉन फ्रॉम डैश। पहला ऑप्शन है बिल ऑफ राइट, दूसरा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा मैग्ना कार्टा एंड चौथा जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आंसर, है ना, व्हाट शुड बी आंसर। ये ईयर आप नहीं याद रखेंगे, इट इज समथिंग अनदर थिंग। हाँ ये नहीं याद रखेंगे, वो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम, इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसलिए ये ईयर, लेकिन हम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। जी सर, हाँ सर, तो आंसर विल बी बिल ऑफ राइट। लेकिन अब आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से, वो इसलिए क्योंकि ये 1948 में आता है सर, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इसकी चर्चा तो पहले से ही स्टार्ट हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना कब स्टार्ट हुआ था, है ना। जी सर, सर नीचे ईयर गलत नहीं है मेंशन आपके नोट्स में, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल ऑफ राइट जो है ये अमेरिकन वाला बिल ऑफ राइट नहीं है, ये जो है ये इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित है, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है ना, इसीलिए हम इसको नहीं वो याद करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इसको देखिए, हमारे देश में आर्टिकल 19 में कुछ राइट्स हैं, है ना, आर्टिकल 19 में कुछ फ्रीडम है, बेसिकली फंडामेंटल राइट हम देखते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो उन आर्टिकल्स में से हमारे लिए जो आर्टिकल पढ़ना जरूरी है वो कौन कौन से आर्टिकल है, एक तो है आर्टिकल नंबर 14 जो कि बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन वगैरह के ऊपर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 हमारे लिए जरूरी है और आर्टिकल 21 जरूरी है, बस इन्हीं तीनों आर्टिकल को आप लोगों को पढ़ना है मीडिया लॉ में। बिल्कुल, तो ये 19 सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें कुछ राइट्स हैं सर, इसको ए बी सी डी ई एफ ऐसे भी पढ़ लीजिए। हाँ जी भी है क्या, जी भी है, तो एक और भी इसमें फ्रीडम था जिसको कि बाद में निकाल दिया गया, ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, ये आर्टिकल 19(1)(a) की बात है। ये भी राइट आप लोगों को ध्यान रखना है, नहीं ये आपको याद नहीं रखना है लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कहीं भी आप एकत्र हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप वहां पे आप कोई आर्म्स न लिए रहे हो। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, ये सब किस में है, अंडर आर्टिकल 19 में सर। राइट टू मूव थ्रू आउट इंडिया, है ना, मतलब ये इंडियन टेरिटरी में आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन सर ये आर्टिकल 19 का ये वाला जो क्लॉज है ना, ये मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसकी भी चर्चा करी गई थी। यस, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस एक हुआ था जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का एक बेहतरीन केस है, उसमें ये बात कही गई थी कि उनका जो पासपोर्ट जो फॉरफिट कर लिया गया था, जो जॉब जब्त कर लिया गया था, और उनको कारण भी नहीं बताए गए थे, है ना, तो तीन चार जो उसमें आर्टिकल हैं वो प्रभावित हो रहे थे। मैंने क्या बोला कि ये 14, 19 एंड 21, तो जो मेनका गांधी वाला केस था उसमें ये बात कही गई थी कि आपको उन्होंने जो पासपोर्ट है वो तो रख ही लिया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर आपका डायरेक्टली अब ब्रीज हो रहा है तो आप डायरेक्टली अपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पे वो पहुंची तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि देखिए आप तो मेरे को बिना कारण बताए ले रहे हैं, से मेरा पासपोर्ट आपने फॉरफिट कर लिया, तो जाहिर सी बात है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ तो नहीं है, है ना, आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ तो करना पड़ेगा ना। हेलो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ का मतलब ये है कि कुछ नियम कानून कायदे हैं उसके अनुसार ही सबको चलना चाहिए, चाहे वो अथॉरिटीज हो चाहे वो पीपल हो,
एक बात तो यह है, आर्टिकल 19 का ये क्लॉज जो है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया से थ्रू आउट द आगे भी अलग नेशन में भी जाता है, और वो आपको अपनी बात कहने का भी अधिकार है। तो ये सारे के सारे राइट्स जो हैं वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है आर्टिकल 19(1)A। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके ऊपर ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जितने भी हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात तो करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जरूरत वाली क्या चीज है, मैं थोड़ा सा, मुझे रुकिए एक बात और आपको बताऊं। कैंडिडेट, हाँ यहां पे मैं लिखता हूं, मैं आपके सामने लिखूंगा कि फ्रीडम ऑफ, हम लोग मीडिया के स्टूडेंट हैं तो फ्रीडम ऑफ, क्यों हो रहा है ऐसे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस में कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या क्या चीजें हैं? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, है ना सर, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वन्स आइडिया, प्रोपोगेशन, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, यस सर, फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, जी सर, ये कुछ टाइप ऑफ फ्रीडम हैं प्रेस के। इसी तरीके से अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगाओगे? सर्कुलेशन पे ही तो लगाएंगे, है ना, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या किस पे लगाएंगे? फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आइडिया पे लगाएंगे, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन पे लगाएंगे, फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग पे लगाएंगे। कुछ ऐसे फ्रीडम लगे हैं क्या हमारे, मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं क्या? बिल्कुल लगे हैं सर। फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन का केस आप देखेंगे तो वो रोमेश थापर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया का केस में ऐसा हुआ था। फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो वीरेंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। अब ये केसेस क्या है इसके ऊपर हमने एक पहले के क्लासेज में चर्चा किया था थोड़ा सा, और भी अगर समय मिलेगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को आने वाले क्लासेज में। तो फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन रमेश थापर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ आइडिया जो है वो ऑर्गेनाइजर का जो न्यूज पेपर हुआ करता था वो वाला केस, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन और प्रोपोगेशन ऑफ आइडिया, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का केस कब हुआ था सर? रिपोर्ट्स प्रिविलेज्ड बता दीजिए एक बार, प्रिविलेज्ड रिपोर्ट, हाँ वो भी मैं बताऊंगा, जस्ट नीचे है उसका स्लाइड में मेंशन है वो सारा। तो ब्रॉडकास्टिंग का केस कौन सा है सर? कैब वाला, कैब का मतलब है ना, हाँ। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के नाम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करी जा रही थी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के द्वारा, मतलब कौन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बोल रहा था कि नहीं हमें ही अधिकार है, सिर्फ हम ही, मतलब सरकार के बॉडीज जो हैं, जो गवर्नमेंट के बॉडीज हैं, मतलब दूरदर्शन, वही सिर्फ पब्लिश वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है क्रिकेट या फिर जो भी कमेंट्री वगैरह करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि नहीं, ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर ये फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज अ फंडामेंटल राइट, यस सर। ईयर वेब शुड बी पब्लिक प्रॉपर्टी, ओपन स्काई पॉलिसी नाम से जो भी बाद में चीजें घटित हुई वो हुई। रमेश थापर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या क्या चीजें हुई, उसमें सर्कुलेशन को बैन कर दिया गया था स्टेट ऑफ मद्रास में, जो कि उनका पब्लिश होता था न्यूज़पेपर जो कि क्रॉस रोड नाम की एक पत्रिका हुआ करती थी, है ना, क्रॉस रोड, उसको एंट्री करने से बैन कर दिया गया था। महाराष्ट्र से पब्लिश हो रहा है, मद्रास में बैन कर दिया गया है, तो बैन के ऊपर, तो बैन किसके ऊपर था? सर्कुलेशन के ऊपर, जाहिर सी बात है,
है ना सर जी। तो ये बात है। अब आगे देखते हैं कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की एक्सप्लिसिटली नाम सर उनके क्या क्या हैं, ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ तो इसको देखते हैं। वो ग्राउंड कौन कौन से हैं, ग्राउंड की चर्चा करना रिस्ट्रिक्शन के तौर पे बहुत जरूरी है ना सर जी। तो ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, फिलहाल लिखा है नो फ्रीडम कैन बी एब्सोल्यूट। तो एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे इसी एग्जाम में, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडिया में लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ऐसे कुछ करके। तो जाहिर सी बात है ये कंप्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी अनलिमिटेड नहीं है, ये तो लिमिटेड ही है। तो लिमिट कौन करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को, लिमिट कौन करता है सर, वो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। लड़ाई किसके किसके बीच में है, आर्टिकल 19(2) वर्सेस आर्टिकल 19(1) यस सर, वर्सेस की बात करेंगे। क्यों ऐसा क्यों, देखिए ये भी आप इसको पॉजिटिवली देखेंगे ना तो सर ये भी राइट्स ही हैं, ये भी राइट है इस आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, लेकिन ये राइट हमने अपने वोट के साथ ट्रांसफर कर दिया है गवर्नमेंट को, यानी खासकर स्टेट कहेंगे, स्टेट को हमने ट्रांसफर कर दिया है कि आप किसी खास परिस्थितियों में, खास मामलों में आप हमारे राइट के ऊपर कुछ राइट इंपोज कर सकते हैं, है ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कम्युनल वायलेंस हो तो क्या फ्रीडम कर्टेल किए जाएंगे, हाँ सर किए जाएंगे। वहां पे जाहिर सी बात है कम्युनल वायलेंस होते हैं तो लोगों को फ्रीली घूमने दिया जाता है क्या, नहीं ना सर नहीं दिया जाता है। उसी तरीके से सब कुछ बोलने दिया जा सकता है क्या सर, नहीं। तो आर्टिकल 19(2) कहता है कि ये राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के राइट्स हैं, मतलब स्टेट्स के राइट हैं, और आर्टिकल 19(1) जो है वो पब्लिक के राइट है जनरली। यस, समझने के लिए इस बात को समझिए आप लोग, बात समझ में आ रही है सभी लोग, लिमिटेड है सर, ठीक है। तो ग्राउंड कौन कौन सा, अच्छा इसी क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा था, है ना। द राइट टू नो इन इंडिया इज लिमिटेड, है ना सर, ये वाला ऑप्शन रहेगा, अनपैरेलल्ड या फिर अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट तो है ही नहीं, लिमिटेड ही है। तो किस किस बेसिस के ऊपर लिमिटेशंस लगाएंगे ऑथोरिटीज या स्टेट, स्टेट कौन कौन से, पुलिस इज स्टेट, है ना सर, पुलिस स्टेट है क्या, बिल्कुल है सर, सीबीआई इज स्टेट, है ना सर, सीबीआई, कोर्ट जो है वो स्टेट है सर जी, बिल्कुल, और भी स्टेट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी जनरली हैं वो स्टेट के अंदर ही है। वॉर इमरजेंसी के टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, सही कह रहे हैं आप। तो कौन कौन से ग्राउंड है, ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आर्टिकल 19(2). सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि ओनली टू सीरियस एंड एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर, जैसे कि विद्रोह हो जाए, जैसे कि वॉर हो जाए, जैसे कि एकता और अखंडता, जिसको कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जैसे मामले कुछ हो जाए, तो वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, जैसे कि दंगे हो जाए, यस है ना सर जी, बिल्कुल। दूसरा क्या है ग्राउंड, फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्री, कुछ ऐसा हुआ है क्या आप बताइए। देखिए अगर ऐसा कुछ हो तो UAPA नाम का हमारे यहाँ एक्ट है, क्या है सर फुल फॉर्म,
अनरिस्ट्रिक्टेड कुछ एक्शन ऐसे होंगे उसको प्रोहिबिट करने का एक एक्ट है ना, जो ये है सर। फ्रेंडली रिलेशन विद कंट्री मतलब ये है कि आप एज अ प्रेस अगर इंडिया का रिश्ता किसी दूसरे कंट्री से बहुत बेहतर है तो उसके अगेंस्ट में हेटर्ड या फिर आप कुछ ऐसे मैसेज नहीं लिख सकते जिससे कि दोनों देशों के रिश्ते खराब हो। पब्लिक ऑर्डर इसी तरीके से, मतलब पब्लिक ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, आदेश जनरली। तो अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज यानी स्टेट कुछ इशू करे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, है ना, एक एक पूरा वो हार्मनी बनाए रखने के लिए, तो उस समय उन आदेशों को पालन किया जाना जरूरी है। उस मामले में भी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको कर्टेल किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए, जैसे हमने बताया वो। क्यों? क्योंकि शांति हमेशा बनाए रखना है, ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखना है इसलिए। लेकिन ये पब्लिक ऑर्डर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तौर पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ओरिजिनली तब ये उसमें नहीं था सर। क्या बोल रहा हूँ मैं, देन इट वॉज नॉट इन दैट काइंड दैट टाइम, है ना, नहीं था। मतलब कब इसको कनेक्ट किया गया था आप इसके बारे में बताएंगे, व्हेन इट वॉज कनेक्टेड गाइस? हाँ, इसको थोड़ा सा करिए, इज इट विजिबल? एडेड बोलें, व्हेन इट वॉज एडेड? हाँ, इट वॉज एडेड लेटर। रमेश थापर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस के में ही, केस के बाद ही इसको एड किया गया था, पब्लिक ऑर्डर एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। लेकिन पहले ये लॉ एंड ऑर्डर के अंडर में आता था, लॉ एंड ऑर्डर। अब ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक ऑर्डर को एक्सप्लिसिटली जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में डालने की कोशिश करी गई, की जरूरत पड़ी? वो इसलिए क्योंकि जिस लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे वो एंट्री बैन किया था वो सुप्रीम कोर्ट के नज़र में वो काफ़ी नहीं था, वो सफिशियंट नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप सब हर एक चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर्स के तौर पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। किसी के कोई बात बोलने भर से, लिख देने भर से आपका लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ गड़बड़ हो जाता है तो आपका स्टेट मैकेनिज्म क्या कर रहा है, स्टेट की मशीनरी जैसे पुलिस है वो क्या कर रही है, उसका भी तो अपना काम है। ये बात कुछ बोला था उन्होंने, पतंजलि शास्त्री जी ने, उस रमेश थापुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, है ना सर जी। अब डिसेंसी एंड मोरालिटी की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या है सर, देखिए जब एक वुमन के पर्सपेक्टिव में खासकर इसको देखेंगे, लेकिन इट इज नॉट लिमिटेड टू वुमन ओनली, लेकिन वुमेन को हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक फेमिनिस्ट वुमेन थियरिस्ट हैं जिन्होंने एक शब्द गढ़ा था, रेवरेंस टू रेप, है ना। रेवरेंस टू रेप का मतलब, मैं सब सर सिर्फ समझाने के लिए इस बात का जिक्र यहां पे कर रहा हूं, रेवरेंस टू रेप का मतलब यह है कि जिस सोसाइटी में पहले वुमेन को देवी माना जाता हो, पूजा की जाती हो, क्या हमारे देश में भी ऐसा है क्या? हाँ, और उन्हीं वुमन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हों तो वो बहुत सोचनीय तो है सर, सोचने वाली बात तो है। तो डिसेंसी एंड मोरालिटी की बात करेंगे, या फिर इसको कहें ऑब्सेनिटी एंड वल्गरिटी, इसके जस्ट अपोजिट शब्द है ना। तो अश्लील सामग्री अगर पब्लिश किया जाए, ब्रॉडकास्ट किया जाए, तो पब्लिक का टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, टेस्ट या फिर पूरा का पूरा ट्रेंड गड़बड़ हो जाएगा, है ना, वो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको भी मेंटेन रखना जरूरी है। डिसेंसी एंड मोरालिटी के लिए हमारे जो कि आईपीसी के कुछ सेक्शंस हैं, है ना, वो बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंडिसेंट वल्गर ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश करता है, ब्रॉडकास्ट करता है या फिर प्रोपोगेट करता है तो उसको सजा मिलेगी, उसको पेनल्टीज या फिर उसको पनिशमेंट मिलेंगे। तो आर्टिकल कौन कौन से हैं आप लोग जानते हैं,
आर्टिकल टू आर्टिकल नहीं, आईपीसी के सेक्शन 290, यस 290 कौन सा है सर? 291 लिखूं, टू लिखूं, क्या लिखूं? ऐसे लिख दो, सभी लोग बताइए। और आप लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल चाहिए आपको कि हाँ सर, नहीं सर ये ना 291 नहीं है, 294 है, 294 बिल्कुल ठीक है, 294 है सर, 292, 293, 294। तो ये बात है। अब डिसेंसी इन मोरालिटी के केस में दो तीन चीजें आपको समझना है। एक तो ये कि डिसेंसी या फिर इनडिसेंसी को पहचानेंगे कैसे, वो ये तो काफी सब्जेक्टिव हो सकता है ना। सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेगा। जो अश्लीलता है, मान लीजिए हमारा देश ही है जहां पे कुछ लोकलिटी, जैसे आप जाएंगे आज भी, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे जैसे वुमन के द्वारा छोटे कपड़े पहनने जाने को अश्लील माना जाता है, सोसाइटी की ही बात कर रहा हूं मैं। और वही आप मुंबई जैसे या फिर दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में जाएंगे तो ये कॉमन बात है ना। अब ऐसा ही केस अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो एक कॉमन ग्राउंड तो होना चाहिए ना, जिसके आधार पे हम मानेंगे कि कौन सा मटेरियल, कौन सा पब्लिकेशन, कौन सा लैंग्वेज या गाने या फिर डायलॉग ऑब्सीन है या कौन सा नहीं है। तो इसका डिसीजन कौन लेगा? जाहिर सी बात है जज लेगा, लेकिन जज की मेंटेलिटी भी तो वेरी कर सकती है, वो भी तो सोसाइटी से ही निकले हैं। अगर जज मान लीजिए गांव से, गांव के मेंटेलिटी को समझ के या वो दें अपना वर्डिक्ट, अपना डिसीजन, तो जाहिर सी बात है वो अलग होगा। अगर शहर के पर्सपेक्टिव या फिर अर्बन एरिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो सर, तो इसके लिए ना कुछ टेस्ट बनाया गया था है ना, और टेस्ट मतलब वल्गरिटी को टेस्ट करेंगे, जांचेंगे, मेजर करेंगे कि किसी मटेरियल में, किसी बुक में कोई आर्टिकल कितना वल्गर है, कितना ऑब्सीन है, किसी किसी न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट कितना वल्गर है, कितना ऑब्सीन है। आपने सब्यसाची वाले एडवर्टीजमेंट कुछ दिन पहले देखा होगा, आपने मिंत्रा वाला एडवर्टीजमेंट आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, यस देखा है क्या? बिल्कुल, वेरी वेल डन आभा जी, 292 प्रिंटेड मटेरियल और 293 प्रिंटेड मटेरियल अंडर एज, जो 20 साल, 20 ईयर के नीचे के जो लोग होते हैं, चाहे वुमन और मतलब मेल और फीमेल हो सकते हैं, और 294 जो है वो ऑडियो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के मामले में है, एक्ट के मामले में। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा मैंने आप लोगों से अभी सवाल पूछा था तो उसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है? चलो सर, तो टेस्ट बनाया गया जिसमें से एक तो ये है, हमारे देश का तो वो नहीं है, एक है मिलर टेस्ट है ना सर, मिलर टेस्ट, और एक है हिकलिन टेस्ट। हिकलिन टेस्ट, अभी मिलर टेस्ट और हिकलिन टेस्ट क्या है? ये वल्गरिटी को टेस्ट करने का एक मेजरमेंट है, टूल है, मेजरमेंट टूल आप इसको समझिए है ना। हाँ मंगलसूत्र वाला मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सब्यसाची वाला मंगलसूत्र वाला एडवर्टीजमेंट है ना, वो आप देखेंगे तो एक नए तरीके का जो है एक कंसेप्ट और आइडिया वो एडवर्टीजमेंट में है, लेकिन वो हमारे सोसाइटी के अनुसार कुछ लोगों को काफी ज्यादा अबसीन लगेगा, अश्लील लगेगा। आप चाहें तो जाके आज आप गूगल करके देखिएगा कि वो कैसा एडवर्टीजमेंट था है ना। जी सर, उसी तरीके से मिंत्रा की हम बात कर लेते हैं, मिंत्रा वाला भी, तो ये क्यों है? डिसेंसी एंड मोरालिटी अब जज कैसे करेंगे? तो हिकलिन टेस्ट और मिलर टेस्ट, तो अगर ये आप इसके बारे में चाहें तो पढ़ना चाहें तो मैंने बताया है फ्री स्पेशल क्लासेज अनअकैडमी पे, तो आप ये आप एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए और जाके आप वहां पे देख सकते हैं, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ये सब, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया है आपके लिए, वो ये कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, बताइए व्हाट शुड बी आंसर, पहले तो ये बताइए, बाकी हम बाद में चर्चा करेंगे। सर अब इसमें क्या भी क्या पूछना, अब आपने बता तो दिया है, आगे बढ़िए।
ठीक है सर। तो ये 292 जो है वो पनिशमेंट फॉर ऑब्सीन पब्लिकेशन के मामले में है। अगर मैं लिख दूं यहां पे मैं लिखता हूं ऑब्सीन ऑब्सीन सॉन्ग, है ना, लिखा है सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर दिस। मैं आपसे पूछता हूं, ऑब्सीन सॉन्ग अगर हो, कोई गाने वल्गर बहुत अश्लील गाने गा रहा हो व्यक्ति, तो उसको किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा बताइए सभी लोग, कौन सा सेक्शन होगा? तीन ही सेक्शन है सर, कौन सा सेक्शन होगा? वेरी वेल डन, बिल्कुल ठीक है, हाँ सर, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 294 होगा सर, 294 ही होगा। चलो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की बात करते हैं। ये एक्ट क्या है सर? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये है कि अगर कोर्ट में कुछ कार्यवाही चल रही है ना, और वहां पे जो एविडेंस है वो मांगा गया है और आप एविडेंस प्रस्तुत नहीं करें जानबूझ के, या फिर कोर्ट में किसी को जाने से रोकें, तो भी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर आप कमेंट, उसके जो मेरिट एंड डिमेरिट के ऊपर कमेंट ना करके आपको, आप जज के ऊपर कमेंट करें तो, कि जज तो है वो बायसनेस कर रहे हैं, जज हैं जो वो करप्ट हैं, अगर ऐसा कुछ करें तो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो एनी पब्लिकेशन, है ना, एनी प्रोपोगेशन, एनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आप कुछ ऐसे एक्ट करते हो सर, वो क्रिमिनल जनरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर वाला केस आपने प्रशांत भूषण वाले मामले में देखा है ना सर जी, बताइए। यस, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अलग अलग दो चीजें। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, डिफामेशन, ये आपको पढ़ना है क्या? आप ना थोड़ा सा इसको जो है गूगल पे जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं, मेरे पास यदि समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। अब आते हैं डिफामेशन के ऊपर। डिफामेशन का मतलब ये है कि आप ऐसे शब्दों के माध्यम से, या फिर राइटिंग हो या फिर कोई पब्लिकेशन हो, मतलब विजुअल या फिर ऑडियो, या फिर ऑडियो विजुअल के मीन से, या फिर इशारों के थ्रू भी कुछ ऐसी बातें कह दें। मान लीजिए ए ने बी को कुछ ऐसी बात कह दिया, ए ने बोला बी को कि आप जो हो, तुम जो हो वो, तुम तो चोर हो, है ना, ऐसे तुम तो करप्ट हो, घूस लेने वाले हो, ए ने बोल दिया, और बी वाकई में ऐसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी रिस्पेक्ट को नुकसान तो हुआ, उसकी इज्जत जो है उसमें डिस्काउंट तो हुआ सर। तो फिर वो क्या करेगा? वो इसके ऊपर एक्शन लेगा, एक्शन लेगा तो किस वजह से लेगा? और आप बताइए कि ए की फ्रीडम तो है सर कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डिफामेशन के तौर पे इसीलिए आता है कि आपकी फ्रीडम वहीं तक है जहां पे दूसरे की फ्रीडम प्रभावित नहीं होती हो। अब ये टर्म अपने आप में भी, जो मैंने शब्द बोला वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कि अब दूसरे की फ्रीडम को हम कहां तक अलाउ करेंगे? आप मुझे बताइए कि आपने किसी सेलिब्रिटी है ना, सेलिब्रिटी के खिलाफ आपने कुछ लिख दिया। अच्छा, आजकल नवाब मलिक और अमृता फडणवीस नाम है ना उनका, देवेंद्र फडणवीस की जो वाइफ है, यस, देवेंद्र फडणवीस एंड अमृता जो है उनकी वाइफ,
जी, उनके मामले में आप आजकल सुन रहे होंगे एक केस, तो बहुत सारे लांछन जिसको कहते हैं हम, बहुत सारे अवमानना संबंधित कुछ बातें कह रहे हैं एक दूसरे से वे लोग। अब उसमें क्या, अगर वो गलत है, नवाब मलिक ने जो भी बातें कही हैं अमृता फडणवीस के खिलाफ, अगर वो गलत है तो क्या उनके ऊपर डिफामेशन का केस लगाया जाना चाहिए? यस। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहीं तक है जहां पे दूसरे के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरे का रेपुटेशन, दूसरे की जो रिस्पेक्ट है वो प्रभावित नहीं होती हो सर। यस, है ना जी। तो अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस बेस पे पनिशमेंट मिलेगा? तो वो है आर्टिकल नंबर 14, सेक्शन 14, आर्टिकल नहीं सर, सेक्शन 14। सेक्शन किसमें है? आईपीसी के। और आर्टिकल किसके हैं? आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आर्टिकल सब जहां से भी मैं जब भी इस्तेमाल करूं तो आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। सेक्शन शब्द मैं जब इस्तेमाल करूंगा तो आप एक्ट की बात करेंगे, है ना, एक्ट की या फिर कोड की बात करेंगे। ठीक है सर जी, बिल्कुल, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है सर, तो इसको देखते हैं। कौन कौन से एक्ट हैं या फिर जो है सेक्शन है, सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, वो है 499, 500, 501 एंड 502। ये चार सेक्शंस जो हैं वो डिफामेशन से डील करते हैं। अब डिफामेशन भी दो तरीके के होते हैं सर, एक तो क्रिमिनल डिफामेशन और दूसरा सिविल डिफामेशन। बस अंतर आपको याद रखना है यार कि क्रिमिनल डिफामेशन में अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल डिफामेशन कर रहा है ना, भले वो सच ही बोल रहा हो तो भी उसको कोर्ट के नजर में गिल्टी माना जाएगा और उसके सच के आधार पे उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा। सिविल डिफामेशन में सच को, अगर सच उसने बोला है और वो सच अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो फिर उसको कोर्ट की तरफ से माफी मिल सकता है। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है यहाँ पे, अगर आज आपने कुछ बोल दिया कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट को अगर एक्शन लेना होगा ना, तो आज 14 नवंबर 2021 है, तो 14 नवंबर 2022 के पहले ही उसको आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा, अदरवाइज वो 1 साल के बाद एक्शन नहीं ले सकता है। बात समझ में आ रही है सभी लोग? आप कह रही हैं कि रिपोर्टर के प्रिविलेजेस सर, अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को काउंटर करे किसी के खिलाफ, कुछ पब्लिश करे, तो रिपोर्ट के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे? डिफामेशन इसमें भी लगेगा सर। देखिए, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का केस अलग है, वो हम मैं उसी पे पहुंच रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए, उस पे मैं पहुंचूंगा, है ना जी सर। हाँ तो इसको देखते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने समझा, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। शरजील इमाम का केस आपने देखा होगा, अभी केस तो जाहिर सी बात है वो उनके ऊपर अभी लगी है, उसके ऊपर तो उन्होंने क्या बोला, ये बोला कि हम असम के कुछ पार्ट को कुछ समय के लिए भारत के दूसरे हिस्सों से तो तोड़ ही सकते हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल किया था। यस। तो अगर एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ बात करोगे, ऐसा बात करना राजद्रोह, देशद्रोह और ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए जाने चाहिए क्या? बताइए हाँ या ना। यस जी सर, ये लगाया जाना चाहिए। इसका सेक्शन क्या है सर? सेडिशन का, वो है सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। सर अब ये भी जरूरी है क्या, ये ईयर भी याद रखना जरूरी है क्या? हाँ, ये ईयर तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं और क्रोनोलॉजी आपको समझना है। यस सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग जी सर? चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अब आप इसी के बारे में आभा जी बात कर रही थी कि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन है ना, या फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज के मामले में क्या होगा यदि कोई पब्लिशर या रिपोर्टर पब्लिश करता है तो। देखिए, रिपोर्टिंग करना पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का वो हक है हमारा, मतलब एज अ प्रेस एज अ मीडिया आपका वो हक है कि आप प्रोसीडिंग जो हो रही है, जो कार्यवाही हो रही है, उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अब आपके हक के ऊपर उनका हक है, उनका मतलब पार्लियामेंटेरियन का हक है, उनको प्रिविलेजेज है। प्रिविलेजेज का मतलब विशेष अधिकार है। पार्लियामेंटेरियन एंजॉय सम प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार को एंजॉय करते हैं। वो क्या करेंगे, वो उनको ये अधिकार है कि कौन सा संसद की कार्यवाही का कौन सा पार्ट, कौन सा अंश को पब्लिश करने से मना करना है। मतलब संसद की कार्यवाही से अगर उसको निकाल दिया जाए, एक्सपंज्ड कर दिया जाए, तो उसको आप मीडिया पर्सन पब्लिश नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या, यू कैन नॉट पब्लिश इट। लेकिन कोई भी अगर आपने पब्लिश कर दिया मटेरियल और वो मटेरियल पब्लिक इंटरेस्ट में है, और आपका इरादा ये नहीं था कि आप संसद की गरिमा जो है, संसद का रेस्पेक्ट है, उसको डिमीन करें, आपका इरादा ये नहीं था कि झूठ बोल के र्यूमर वगैरह कुछ फैलाएं, तो फिर आपको कोई, मतलब मीडिया को कोई उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं सभी लोग। तो यदि एक्शन नहीं लिया जाएगा उसके मामले में ना, एक ये क्वेश्चन है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लिया जाएगा, आप बताइए कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लिया जाएगा। सर, इज इट विजिबल? यस सर, ठीक है। तो क्या लिखा है, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन, सेक्शन बेसिकली नहीं है, ये आर्टिकल है ना सर, ये आर्टिकल है, आर्टिकल, ये भी सारे के सारे आर्टिकल ही हैं सर। तो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी संसद जो है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा या फिर विधान मंडल या विधान परिषद में, विधानसभा या विधान परिषद में कुछ कार्यवाही चल रही है, प्रोसीडिंग्स चल रहा है, उसका पब्लिकेशन आप पर अगर आपने कर दिया है ना, और वो पब्लिकेशन जनरली अलाउड नहीं किया गया था, या फिर आपने कुछ ऐसे इंटरेस्ट से किया जो आपका इरादा डिमीन करने का नहीं था, तो प्रोटेक्शन मिलेगा सर। किनको प्रोटेक्शन मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा जर्नलिस्ट को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आर्टिकल 361। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, ये तो फ्रीडम की बात कर रहे हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है ना दोनों, कौन कौन से, ये रिस्ट्रिक्शंस वाले आर्टिकल हैं, आर्टिकल 105 एंड 194। 105 बात करता है कि यदि कोई किसी रिपोर्टर ने पब्लिकेशन कर दिया है ना, तो इनके पार्लियामेंटेरियन क्या कर सकते हैं, दे इंजॉय सम प्रिविलेजेस। कौन से पार्लियामेंटेरियन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये इन वाले की बात कर रहा हूं, राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहा हूं। और स्टेट लेजिस्लेचर के मामले में ये आर्टिकल 194 वो उनका प्रिविलेज है, किसके ऊपर, उस जर्नलिस्ट के ऊपर या फिर उस राइटिंग के ऊपर, कि उस राइटिंग को पब्लिश करने देंगे या फिर नहीं देंगे। समझ रहे हैं क्या, आर्टिकल जो है 194 इन स्टेट, आर यू अंडरस्टैंडिंग सर जी? बिल्कुल।
ठीक है सर, 105 सेंट्रल मतलब पार्लियामेंटेरियन, चाहे राज्यसभा लोकसभा कुछ और भी हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो भी ये राइट एंजॉय करते हैं, ये वाला राइट, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये दोनों राइट्स हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के लिए। कौन कौन से? ये जो दोनों आर्टिकल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 105 एंड 194, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के लिए है और ये प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम के लिए है। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब थोड़ा सा और, ये क्वालिफाइड प्रिविलेजेस जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ से आया है? ये वो ब्रिटिश लॉ से आया है। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। अब और मान लीजिए कि ये सामने आपके क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? वेरी वेल डन एकता जी, श्वेता, जय, शालिनी जी, संगीता एंड अदर्स। ठीक है सर, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है कि सर ये आंसर तो यही होगा। क्यों? द फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन। सर फंडामेंटल राइट क्या क्या है? सबजर्वियंट है, मतलब अधीन है। किसके अधीन है सर ये? है ना, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रिविलेजेस से थोड़ा सा कम, मतलब आप यूं कहें कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये ज्यादा रोबस्ट है। क्यों है? क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव, है ना, हमने उनको इलेक्ट करके भेजा है, और इलेक्ट करके भेजा है तो उनको सही तरीके से, बिल्कुल स्मूथ तरीके से अपना का जो एक्शन है वो परफॉर्म करते देना चाहिए। अगर बार बार उनके ऊपर केसेज हो, उनके ऊपर उनको कोर्ट में बुलाया जाए, तो फिर काम कब करेंगे, है ना? इस तरीके से हमने उनको ना थोड़ा ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। हमारे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीडम है, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ज्यादा स्ट्रांग है हमसे, और आप कहें ऑलमोस्ट अनलिमिटेड राइट वो इंजॉय करते हैं पार्लियामेंटेरियन। उनमें राइट में क्या है? वो ये है कि जब आप वो एक पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं, या फिर जो विधायक बन जाते हैं, तो 40 दिन पहले, विधायक बनने के 40 दिन पहले, और विधायक जिस दिन उनका जो ये खत्म हो रहा है, मतलब वो ड्यूरेशन, उसके 40 डेज बाद तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है ना? बात समझ में आ रही है? ये सर ये 40 डेज ही है ना, आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा इसको। जनरली ये 40 डेज ही है। सर्च लाइट केस रिलेटेड टू दिस, बिल्कुल सही बात है। सर्च लाइट वाज द केस जो कि बिहार का न्यूज़पेपर था, MSM शर्मा वाला, और वो पार्लियामेंटरी जो प्रिविलेजेज हैं एंड पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेज से संबंधित था, लेकिन तब 361 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, समझ रहे ना? व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, 361 कब इंट्रोड्यूस किया गया था सर? ये 361A जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बात समझ में आई? हाँ, हम ही ने दिया है उनको ये राइट। ये उनको समहाउ अनलिमिटेड राइट हमने दिया है, क्योंकि वो सारी चीजें 74 नहीं, नहीं 77 या 71 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, 74 70। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात और करते हैं यहाँ पे, लिखा क्या है? फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन रिलेशन टू दैस, क्या वो सेडिशन से संबंधित था? क्या वो डिफामेशन से रिलेटेड था?
क्या वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड था या फिर वो राइट टू प्राइवेसी था। ऐसा क्यों था? इसकी हम चर्चा करते हैं। हाँ सर, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय जब इमरजेंसी इंपोज कर दिया गया है, याद होगा आप लोगों को 1976 में ये अमेंडमेंट हो रहा है, इमरजेंसी इंपोज किया गया है। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी पीएम, उनका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया गया था, मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी वो गवर्नमेंट के फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, गलत गवर्नमेंट के मशीनरी को पार्टी के मतलब कांग्रेस पार्टी के पर्पज से इलेक्शन को जीतने के उद्देश्य से इस्तेमाल किया था, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी पैसा, कोई भी मशीनरी पार्टी के फंड से जाना चाहिए, न कि गवर्नमेंट के पब्लिक फंड से जाना चाहिए। वो केस आप लोगों ने जाना होगा, कौन सा? राज नारायण वर्सेज उत्तर प्रदेश का केस, याद है ना सभी लोगों को। राज नारायण वर्सेज उत्तर प्रदेश के केस में क्या हुआ कि राज नारायण साहब जो कि एक बहुत बड़े लीडर थे और कई बार वो जेल भी जा चुके थे, वो उन लीडर में से शुमार किए जाते हैं जो आजादी के दौरान भी जेल गए और आजादी के बाद भी जेल गए, समझ रहे हैं ना? जी सर। तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ ये लड़ रहे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इनको अनुमान था जिस तरीके से पब्लिक सेंटीमेंट पहले था इलेक्शन मतलब कैंपेन के पहले, वो सेंटीमेंट अगेंस्ट में था। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन होता है, इलेक्शन कैंपेन के बाद जब रिजल्ट आता है बाद में, तो बहुत सारे भारी वोटों से जो है वो इंदिरा गांधी जी जीत जाती हैं, है ना? अब जब जीत जाती हैं तो इनको भाई जाहिर सी बात है दुख तो होगा ही ना। लेकिन हर एक पार्टी बैठती है, हर एक कैंडिडेट बैठते हैं, वो समझते हैं, सोचते हैं कि क्यों हारे क्यों। तो वे बैठ के चर्चा कर रहे थे अपने हार के ऊपर। राज नारायण साहब को जो है बहुत बेहतरीन जो कि एडवोकेट शांति भूषण जी से मुलाकात हुई उनकी, उन और भी लोग थे, जेपी साहब वगैरह भी थे, सब लोगों ने माना कि देखिए ये कुछ चीजें हुई हैं, है ना? हाँ ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम क्या देखेंगे कि उनको लगा कि जितना भी इलेक्शन कैंपेन इन्होंने किया है, एक के बाद एक फ्लाइट से या फिर एरोप्लेन से दूसरी अलग अलग इलेक्शन कैंपेन के जो प्लेसेस बनाए गए हैं वो लैंड किया उन्होंने, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है और बहुत सारे जो जिसको बोलते हैं ना लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है, वो भी सरकारी पैसे से सारे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये तो पब्लिक का फंड है और जब भी इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो आपको वो पार्टी का फंड होना चाहिए, तो ये तो गलत प्रैक्टिस है। इसको लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है जजमेंट इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में चला गया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व रही थी। अब फिर क्या होगा अगर अगेंस्ट में चला जा रहा है, है ना? तो सर ये तो गलत है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत का नाम क्यों ले रहे हैं आप? थोड़ा सा इस चीज को समझिए, है ना? देखिए ये जाहिर सी बात है, ये हम लोग फिल्म तो नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? हम लोग फिल्म तो नहीं देख रहे हैं कि आपको मजा आने वाला है। जाहिर सी बात है ये मजा वो उस तरीके का मजा नहीं आएगा, ये गाने नहीं चल रहे हैं सर, ठीक है ना?
तो आप अपनी बातों का ख्याल रखें, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें कमेंट थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है सभी लोग? यस जी सर। और यहाँ पे देखिए सर, ये कॉग्निटिव चीजें हैं, ये नॉलेज संबंधित, नॉलेज गेनिंग से संबंधित चीजें हैं। यहाँ पे मजा ढूंढेंगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कूल मीडियम है सर, ये हॉट मीडियम नहीं है, है ना? दिस इज नॉट अ हॉट मीडियम, इट इज अ कूल मीडियम। और कूल मीडियम में आपको ना अपना इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, तभी आप नॉलेज गेन कर पाएंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा आप नॉलेज नहीं गेन कर सकते, फिल्मों से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको दूसरे दौर में लेके जाएगा, दूसरे तरीके से लेके जाएगा। अगर नेट जा रहे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करिए। अदरवाइज आपको फिल्म डायरेक्टर बनना है, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप फिल्म देखिए, यहाँ फिर ये प्लेस आपके लिए नहीं है, ठीक है सर? चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो एक बात और, लिखा है राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल टू, राइट्स गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल टू किनको सर? अवेलेबल टू कॉरपोरेट पर्सन ओनली, लीगल पर्सन ओनली, इंडियन सिटीजन ओनली एंड नॉन इंडियन ऑल्सो, सभी लोग बताएंगे एक एक करके कमेंट करके, ठीक है ना? आई एम जस्ट वेटिंग टुवर्ड्स योर कमेंट गाइज। ठीक है, वेल डन एवरीवन। ठीक है सर, तो व्हाट शुड बी आंसर? ये इंडियन सिटीजन को ही ओनली ये राइट अवेलेबल है। अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है तो क्या ये राइट अवेलेबल है क्या? नहीं सर। और ना सिर्फ इंडियन सिटीजन को, वो जाहिर सी बात है इंडियन सिटीजन होना उसका तो जरूरी है, लाजमी है। उसका इंडियन सिटीजन होने के अलावा उसको नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर? नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए, तभी उसको वही ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर और भी राइट्स जो हैं आर्टिकल 19 में, वो मिलेंगे, वो अवेल कर पाएंगे। अच्छा, हमारे देश में एक बात और है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब अगर एक व्यक्ति जो इंडियन इंडिया का सिटीजन है वो दूसरे देश का नागरिक नहीं बन सकता है सर, है ना? बन सकता है क्या? नहीं सर। तो डुअल सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं है। दूसरे देशों में ऐसा है कि एक देश के नागरिक भी हो आप, दूसरे देश के भी सिटीजन हो सकते हो, लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है सर, इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप अपने ध्यान से आंसर करिएगा, सोच समझ के आंसर करिएगा, हो सकता है गिवन आंसर विल बी रॉन्ग। लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, है ना? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द पब्लिक राइट टू डैश, पब्लिक राइट टू नो, पब्लिक राइट टू लिबर्टीज, पब्लिक राइट टू एजुकेशन एंड लीगल रेमेडीज, बताएंगे एक एक करके सर। व्हाट शुड बी आंसर? एम जस्ट वेटिंग टुवर्ड्स योर कमेंट गाइज। ठीक है, हाँ एकल नागरिकता का सिद्धांत है, बिल्कुल सही कह रही हैं सालनी जी, एकल नागरिकता का सिद्धांत है हमारे देश में।
तो अक्षय कुमार को क्या हमारे यहाँ ये राइट मिल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला? मतलब उसके अंतर्गत ये सारे के सारे जितने भी लीगल रेमेडीज हैं उनको मिल सकते हैं क्या? तो एग्जामिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द पब्लिक राइट टू नो। अब ये कहाँ से निकला है? अच्छा, पब्लिक राइट टू नो के लिए हमारे यहाँ हमारे देश में एक एक्ट बना है। बिल्कुल, उस एक्ट का नाम बता दीजिए सर। बना है तो इसको आप ध्यान नहीं देना है सभी लोग। यस सर, कुछ अभी क्वेश्चंस बच रहे हैं आपके लिए, उसकी हम चर्चा करते हैं। हाँ सर, ठीक है, RTI। इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड प्रिविलेज आर डिस्कस्ड अंडर डैश। क्लास चलेगा और 2-4 मिनट देखते हैं, है ना? ठीक है सर। तो एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड प्रिविलेजेस आर डिस्कस्ड अंडर सिविल लॉ ऑफ टॉर्ट। और सर ये क्या होता है? हमने जस्ट कुछ देर पहले ही चर्चा किया कि कुछ ऐसे ऑफेंसेज, अपराध अपराध जिसका कि इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं था इंटेंशन, लेकिन वो सारी चीजें हो जाती हैं, उसको हम जनरली उसमें कंसिडर करते हैं सिविल लॉ ऑफ टॉर्ट। अच्छा, एक इसको भी थोड़ा सा हम आप चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 358। 358 क्या है सर? इमरजेंसी का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये चर्चा की गई है कि किस मामले में इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है, और इमरजेंसी यदि इम्पोज की जाए तो फिर उसको उसमें कौन कौन से राइट जो हैं वो पब्लिक के कर्टेल कर लिए जाएंगे। यस, बताइए व्हाट इज ये है। कौन सा आंसर था? ये हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। लिखा है 292 ऑफ आईपीसी डिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर। अच्छा, ये तो हमने कर ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इज इट विजिबल? यस सर, जी विजिबल है, तो इसको करिए। कौन सा, ये वाला? हाँ, ये वाला मैं एक्सप्लेन करता हूं। लिखा है मीडिया फ्रीडम शुड रिकॉन्साइल विद, किसके साथ? सर, एडवर्टाइजर के साथ नहीं। देखिए, जो जैसी बात जी हजूरी नहीं करोगे आप एडवर्टाइजर की, जो पब्लिक का कलेक्टिव इंटरेस्ट है, लोगों का जिसमें भला है, उसके साथ उसके सपोर्ट में आप खड़े होइए। पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं, पॉलिटिकल पावर के सपोर्ट में नहीं। लोगों के एरोगेंस है, किसी व्यक्ति जैसे जैसे जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो गया है, और बोलते हैं ना कि
जिसके पास पावर हो जाता है तो काफी हद तक वो पगला जाता है या पागल हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है, तो उस एरोगेंसी के को आप हमेशा सपोर्ट नहीं करोगे। जी हरजोरी नहीं करोगे सर, मीडिया होके आपका ये काम नहीं है, आपका काम ऐसा है। बात समझ में आ रही है? यस जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है कुछ एक चीजें यहाँ पे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं और आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे सीमित करेंगे, है ना? जी सर। लिखा है डिसीजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब यही है, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की बात हो रही है। टू फिक्स अ मिनिमम प्राइस फॉर अ न्यूज़पेपर वाज चैलेंज्ड बाय हिंदुत्व, चैलेंज बाय सॉरी हितवादा और दी ट्रिब्यून, दी डेकन हेराल्ड एंड सकार। अब हिंदुत्व शब्द मुझे आजकल वो डिस्कोर्स है ना, बर्निंग डिस्कोर्स है, इसलिए ऐसा कुछ आ गया दिमाग में। कौन सा क्वेश्चन समझाने को आप लोग कह रहे हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेल डन एवरीवन, वेरी वेरी वेल डन। तो सर इसका आंसर तो यही होना चाहिए, दिस शुड बी आंसर, सकाल, है ना? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्राइस एंड पेज शेड्यूल एक्ट जो था ना, प्राइस एंड पेज शेड्यूल एक्ट, वो चैलेंज किया गया था। 1956 का एक्ट था ये, 1961 में केस हुआ, 60-61 में, और इसमें जीत जो मिली, जीत की क्या कहें कि सर इसमें ये बोला गया कि गवर्नमेंट जो है वो फिक्स नहीं कर सकती, पेजेस के अकॉर्डिंग प्राइस को फिक्स नहीं कर सकती, ठीक है? इस तरीके से वो डिस्क्रिमिनेटरी लगा सुप्रीम कोर्ट को, तो ये मामला था सर। अब हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से संबंधित कुछ चीजें पढ़ी। ये क्या है, ये सारे के सारे, ये जो प्राइस एंड पेज शेड्यूल एक्ट क्या था, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था जो कि नहीं माना गया, किसको माना गया किसको नहीं माना गया। हाँ तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत सारे कल भी अनअकैडमी स्पेशल क्लासेज हैं अनअकैडमी पे, आप ये जो प्रोफाइल दिख रहा है सामने, आप पिनअप सेक्शन में आप उसको क्लिक करिए, वहाँ पे जाके प्रोफाइल को फॉलो करिए, रजिस्टर कर सकते हैं क्लास में। जैसे स्क्रॉल करेंगे स्पेशल क्लासेज में तो आप रजिस्टर कर पाएंगे और उसको करिए, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, लेट अस मीट टुमारो। शाम को, कल शाम को 5 बजे क्लास है, 5 PM में स्पेशल क्लास है, और प्लस क्लास तो सर रोज कंटिन्यू है। अनअकैडमी पे सॉलिड प्रिपरेशन के लिए आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सत्यम एस कोड जरूर आप इम्पोज करिए जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, क्योंकि आप यहाँ पे इस तरीके से 10% डिस्काउंट आपको इमिडिएट